बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच उठापटक अब शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। भारत लाइव जहां खबरों का सिलसिला लगातार रुकने का नाम नहीं लेता है। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति में पैनी नजर रखने वाले बाबा, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आज हम एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें, मुश्किलें महागठबंधन की भी कम होती नहीं दिख रही है, लेकिन महागठबंधन से निकले जीतन राम मांझी, जो कि नीतीश कुमार के पुराने साथी भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एनडीए में एक बीजेपी जो बड़ी पार्टी है उसके नज़र में नीतीश कुमार की छवि नीचे होती दिख रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी अब एनडीए में होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं मांझी के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी एनडीए से बाहर ना हो जाए। तो हम आज इस मुद्दे पर बाबा से बात करते हैं, क्या कुछ मामला है हम बाबा से जानेंगे। बाबा बताइए, क्या कुछ हो रहा है? राकेश, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल होना लाजमी है जी, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के समय में 243 सीटों का जो तिलिस्म है उसे तोड़ने के लिए हर कोई अपनी अपनी ताकत लगा रहा है। बिल्कुल, इस ताकत में अब तक सबसे मजबूत अगर कहीं कोई रहा है तो वो रहे नीतीश कुमार। अपने हिसाब से सीटों का समझौता कराते रहे हैं, जितनी सीटें उन्हें जरूरत महसूस हुई उतना रख लेते थे और बाकी का अपने साथी दलों को दे दिया। लेकिन 2015 में ये तिलस्म टूटा जी। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के सामने वो नतमस्तक हुए जी। उस लालू प्रसाद के सामने जिसे 2005 में उन्होंने जंगल राज का पुरोधा कहा, अब ये एक परसेप्शन बन गया है और एक सूत्र जो है उन्होंने दे दिया है। ये सूत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फिट नजर आया है और इस सूत्र पर चिराग पासवान ने आईना दिखाने का काम किया था। सीधे तौर पे उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार अपने महागठबंधन के समय सीट शेयरिंग के समझौता को करने के बाद उस पार्टी को, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसे हम लगातार हराते आ रहे थे, वैसी पार्टी के साथ जब बराबर बराबर समझौता कर सकते हैं तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं। अब इस प्रश्न को खड़ा करके उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोल दी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोली तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ये मौका है, यहाँ चेकमेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और तब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा टाइट हो गई और चिराग पासवान को थोड़ा सा ढील दे दी। बिल्कुल, आप पतंग का जब पेच लड़ता है तो आप उसको सीधा ढील छोड़ते जाते हैं। और कहीं ना कहीं बाबा, जब आप चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने जब साफ किया है कि 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, तो एक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में एक खलबली सा मच गया है। बिल्कुल राकेश, जब पतंग की बात मैं कर रहा था, ये पतंग को आप ढील देते जाते हैं तो दोनों पतंग आपस में घर्षण से जिसका मजबूत धागा होता है वो काट देता है। वही स्थिति अभी चल रही है एनडीए में। चिराग पासवान का एपिसोड जो है, उसके बाद जीतन राम मांझी का एपिसोड, और ये दोनों एपिसोड पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुप्पी में ही सबसे ज्यादा बेहतर अवसर खोज लिया है। अब आपको बता देते हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता में आप मान के चलिए कि सीधा तौर पर कहना है कि समझौता 143 का किया जाना चाहिए जी। अब इस पर नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि यदि चिराग पासवान की सीटें घटी तो वो सीटें जेडीयू में चली जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार 110 सीट से कम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उसी में से उन्हें मांझी को भी बांटना पड़ेगा जी। मैं बाबा सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में एनडीए के अंदर होने वाले पार्टियों की सीटें कौन कितनी थी? जैसा कि राकेश आपने जिज्ञासा व्यक्त की है जी, 2015 में तीनों दलों के बीच में अपने हिस्से में सबसे ज्यादा सीट रख करके अपने साथी दलों को दिया था, लेकिन परिणाम उतने बेहतर नहीं आए थे जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मात्र 56-57 सीटों पे जाकर के सिमट गया था। आरएलएसपी को 2 सीटें आई थी, एलजेपी ने 2 सीटें लाई थी और बाकी की 53 सीटें जो आपको पता ही है कि किस तरह से, उसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी उनके साथ ही थी जिसे मात्र 1 सीटें आई थी। तो इन 4 सीटों का, 4 दलों का जो एक गठबंधन था,
2015 में एनडीए के अंदर में वो गठबंधन फिर से चार दलों का हो गया है, लेकिन उसमें आरएलएसपी की जगह अब नीतीश कुमार प्रवेश कर गए हैं और नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो 2005 और 2010 में भारतीय जनता पार्टी को भी झुकाते रहे, यहां तक कि 2019 के चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता जो किया उसमें भी झुकाया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर इस पर टाइट होते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और जिस तरह से जीतन राम मांझी को उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर तिलमिला गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि अमित शाह किस तरह के नेता हैं। अमित शाह चीजों को बहुत देर तक छोड़ने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो तुरंत गर्म में ही खाने के शौकीन है। बिल्कुल। और राजनीति में भी जब चीजें गर्म हो तो फैसला ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें अगर बढ़ती हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी होंगे, और जीतन राम मांझी जिस एग्रेशन के साथ, अभी तो उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, उसके बाद जितना एग्रेशन के साथ वो हमले कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो हमला भारतीय जनता पार्टी पर भी कर दें। चूंकि नीतीश कुमार के लिए वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सारे झगड़े छीन करके खुद लड़ना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को इसी उद्देश्य के साथ जोड़ा है अपने साथ। जी बाबा, एक बात यहाँ सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से बाहर आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं एनडीए में जाने का, अगर एनडीए में उन्हें नहीं रखा जाता फिर जीतन राम मांझी का, अब ये तो एक अलग बात है जी, ये एक अलग सिलसिला ही है, क्योंकि उनको लाने वाले भारतीय जनता पार्टी या एलजेपी नहीं है, नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से नीतीश कुमार ने संतोना दिया है कि वो एनडीए के हिस्सा बनेंगे, पहले चर्चाएं ये चल रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि नीतीश कुमार का हिस्सा बनेंगे, विलय करेंगे, लेकिन अभी भी बातें नहीं फैसला हुई है, अभी भी बातें वहीं पर आके अटकी हुई है, और ये फैसला तब तक नहीं होगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी ग्रीन सिग्नल नहीं देगी। कल भी हमने खबर चलाया था जिसमें हमने कहा था कि जीतन राम मांझी न इधर के रहे न उधर के रहे, तो वही स्थिति है कि जीतन राम मांझी कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं, महागठबंधन के अभी बहुत सारे साथी हैं जो इस वेट एंड वॉच की स्थिति में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा महागठबंधन में भी बहुत शांति फैली हुई है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर कहीं एनडीए से निकल करके बाहर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उनके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में महागठबंधन के कई साथियों को वहां आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर वहां रहेंगे तो आरएलएसपी नहीं जाएगी, अगर वहां रहेंगे तो वीआईपी नहीं जाएगी, और ये दोनों ही दल अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, हालांकि महागठबंधन में पत्ते नहीं खुले हैं। अब स्थिति यह है कि ये सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और जीतन राम मांझी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का उनके प्रतिक्रिया आ रही है उनके दल के तरफ से, उससे साफ लग रहा है कि महागठबंधन से निकलने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना ज्यादा महागठबंधन में रहकर महागठबंधन को झकझोड़ते रहते थे उससे ज्यादा वो एनडीए में झकझोड़ रहे, चूंकि उनके पास एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति का बड़ा खूंटा, मजबूत खूंटा उनको मिल गया। बिल्कुल। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की वजह से नीतीश कुमार की छवि जो है नीचे होती जा रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार के लिए, और एनडीए में उनका जो ग्राफ है नीचे होते जा रहा है। तो एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है, इससे रिलेटेड अगर कोई और भी खबर आती है तो हम आपके सामने रखेंगे, और फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप हमारे चैनल को व्यू करते रहिए और देखते रहिए भारत लाइव, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल भारत लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।